ने बिग बॉस 16 में आने की खबरों को किया है क्लियर। चलिए आप लोगों को बताते हैं, दिव्यंका त्रिपाठी ने कुछ ट्वीट किया है और क्या जानकारी दी है अपने फैंस को, चलिए उसके बारे में जानने के लिए मेरे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो जरूर कीजिए, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है खुशी रू। दिव्यंका त्रिपाठी को खतरों के खिलाड़ी में देखने के बाद लोग जो है उनको और भी ज्यादा देखना चाहते हैं, उनकी रियलिटी के बारे में जानना चाहते हैं। स्टार्टिंग में दिव्यंका त्रिपाठी के बारे में कुछ खबरें बाहर आई थी कि वो बिग बॉस में आने वाली हैं, पर उस वक्त भी उन्होंने क्लियर किया था कि वो बिग बॉस का पार्ट नहीं बनने वाली हैं। पर हाल ही में ही वो कहीं घूमने गई थी जहां पर उन्होंने गाड़ी में एक छोटी सी स्टोरी डाली जहां पर कुछ बातें जो है म्यूट हो गई और वो ये बात बोल रही थी कि उनको जल्द से जल्द जो है वापस मुंबई जाना है, जिसके बारे में जानने के बाद फैंस जो है और काफी सारे लोग यही जानने लगे कि वो क्यों जाना चाहती है और उनके पास बाद में समय क्यों नहीं रहेगा घूमने के लिए, क्योंकि वो बिग बॉस में अगर चली गई तो 3 महीने वो बिग बॉस के घर में ही रहेंगी। ये बातें जो है जानने के बाद, ये क्रॉस बातें सुनने के बाद जो है लोगों ने ये डिसाइड किया कि शायद वो बिग बॉस 16 में आने वाली है और ऐसी खबरें जो है काफी ज्यादा चलने लग गई। पर अब दिव्यंका त्रिपाठी ने जो है ये बातें ये बोली है ट्वीट करके कि वो बिग बॉस 16 का पार्ट नहीं बनने वाली है और जो भी ऐसी खबरें हैं वो सिर्फ और सिर्फ फेक है, अफवाहें हैं जो कि फैल रही हैं, वो बिग बॉस 16 में नहीं आने वाली हैं। यानी कि दिव्यंका त्रिपाठी के जो फैंस हैं वो तो थोड़े बहुत निराश तो जरूर होंगे, पर दिव्यंका त्रिपाठी ने सबसे पहले ही ये चीजें क्लियर कर दी थी कि वो इस वक्त रियलिटी शो का पार्ट नहीं बनना चाहती है। यानी कि आप इस सीजन दिव्यंका त्रिपाठी को नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।